हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। केवल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये इडली, बड़ा, डोसा किसी के साथ भी खाई जा सकती है, कि सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कच्चा नारियल ले लिया, धुल के छील कर मैंने इसको रख लिया है काट कर। ये है राई के दाने। एक नींबू लिया है, नींबू का रस डाल दिया मैंने। आप इसकी जगह दही भी यूज कर सकते हो। अदरक, एक मिर्च है, कुछ करी पत्ते हैं, एक चम्मच नमक है, एक चम्मच जीरा, और कुछ मैंने मूंगफली लिए हैं जिसको मैंने रोस्ट करके छिलका निकाल लिया है। इसके जगह आप काजू भी यूज कर सकते हो। हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें नारियल टुकड़े डाल देंगे। करी पत्ता और जीरा, मूंगफली इसमें सब डाल देंगे और नींबू का रस डालेंगे। कुछ करी पत्ते मैंने तड़के के लिए बचा लिए, कुछ इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर की जार में इसको पीस लेंगे। इसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखें। हम इसमें सरसों के दाने डाल देंगे। जब सरसों के दाने थोड़े पक जाए तो इसमें हम 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता मैंने डाल दिया है, अब इसको थोड़ा भून लीजिए। इसको मैंने चला लिया जिससे अच्छे से ये पक जाए। अब इसको हम अपने चटनी में डालेंगे। ये हमारी स्वादिष्ट टेस्टी नारियल चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।